हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने गॉसस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन की बात कर ली थी, जो कि क्या थी? कंडक्टिंग शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव की थी, और इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव कर ली थी। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी थी वो थी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो एक बार इन तीनों के फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। कौन कौन सा है? अगर हम बात करें इनफाइनाइट लाइन चार्ज की, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आया था वो था 2k लैम्डा अपॉन r कैप, या फिर हम यहाँ पर n कैप ले सकते हैं। सेकेंड हमने बात की थी नॉन कंडक्टिंग शीट की, जो कि क्या थी? यूनिफॉर्मली चार्ज शीट थी। तो हम बात कर लेते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया था। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एन के इसकी यूनिट वेक्टर। और थर्ड हमारे पास कंडक्टिंग शीट थी, कंडक्टिंग शीट को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया था, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था वो था E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल के, और ये यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एल के था वो लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बताता है, और ये जो एल के है वो नॉन कंडक्टिंग शीट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। और थर्ड में ये जो एन के है वो कंडक्टिंग शीट, जो कि चार्ज कंडक्टिंग शीट थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस शीट के परपेंडिकुलर बताता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों पार्ट्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो लाइन चार्ज या फिर शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, और तीनों के जो फॉर्मूलाज है वो हमने इस तरह से डिराइव कर लिए थे। लाइन चार्ज के लिए 2k लैम्डा अपॉन r, और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीन एप्लीकेशंस हमने कर ली है। नेक्स्ट हम स्फीयर की बात करेंगे, तो एक हम पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल, और दूसरी हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, और थर्ड हम पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों यहाँ पर हम कुल 6 एप्लीकेशंस हैं गॉसस लॉ की जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने 3 एप्लीकेशन तो पढ़ ली है, बाकी 3 एप्लीकेशंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेब। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया है? देखो तीन कंडीशंस हम पहले बात कर चुके हैं, तीन एप्लीकेशंस की। अब हम फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और फोर्थ फिफ्थ एंड जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है वो तीनों के तीनों स्फीयर पर डिपेंडेबल है। तो स्फेरिकल शेल हम ले रहे हैं फोर्थ एप्लीकेशन, फिर हम फिफ्थ जो एप्लीकेशन है वो लेंगे कंडक्टिंग स्फीयर, और सिक्स्थ एप्लीकेशन हम लेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये तीनों जो है वो स्फीयर से रिलेटेड है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लिया हमने कि एक हमने स्फेरिकल शेल ली है, अगर इसको हम चार्ज कर देते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज कुछ इस तरह की दिखती है। तो मान लो ये जो है वो चार्ज स्फेरिकल शेल। अब क्या करना होता है, गॉसस लॉ अप्लाई करने से पहले जो भी हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं उसको गॉसियन सरफेस में हमें एनक्लोज करना होता है, या फिर उसको कवर करना होता है। तो हमने मान लिया कि इसके चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है जो इस सरफेस को कवर करता है। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं हम
गाउसियन सरफेस, ये है गाउसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो मान लो इसका मिड पॉइंट ओ है और इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। अब हमें एक पी पॉइंट ऐसा लेना है जिस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। तो यहाँ पर जो तीन कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशन क्या है, अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये ले लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें कि ये जो गाउसियन सरफेस है इसकी जो रेडियस है वो ओपी डिस्टेंस हम ले रहे हैं। मान लो पी पॉइंट कहाँ पर है, इस गाउसियन सरफेस पर, जो कि क्या है, इस गोले से, इस स्फीयर से बाहर है। अगर मान लो ये पी पॉइंट बाहर हो तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, आउटसाइड द स्फीयर। सेकेंड कंडीशन इसी तरह से हम ले लेंगे इनसाइड द स्फीयर, और थर्ड कंडीशन हम ले लेंगे on the surface of the sphere, on the surface of the sphere। तो इस तरह से हम तीन conditions लेंगे और तीनों conditions पर इस sphere spheric shape के लिए हमें electric field intensity derive करनी है। तो देखो बच्चों कैसे हम तीनों conditions पर इसको apply करते हैं। तो इसमें first condition हम लेते हैं, यहाँ पर हमने स्फेरिकल शेल ली है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद हमने इसका मिड पॉइंट लिया है ओ, और ये हमारे पास इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक गाउसियन सरफेस में एनक्लोज करना है। ये मान लो हमने क्या लिया है, ये लिया है हमने गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस लेने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो गाउसियन सरफेस है इस पर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है, और ये जो ओपी डिस्टेंस है हम हमेशा लेते हैं स्मॉल आर। अब ये जो स्मॉल आर है वो क्या हो गई, ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है और ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के आउटसाइड जा रहा है। तो आउटसाइड द स्फीयर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यही हमें इस डेरिवेशन में डिराइव करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है जिसके अंदर स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर। अब क्या करना है, हमें गॉसियन जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो यहाँ पर रखना है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीएस हम क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की, या फिर शीट की अगर हम बात करें तो वहां पर हम एलिमेंट्स लेते हैं। मान लो जैसे शीट की अगर बात करें तो वहां पर हमने डीएस वन, डीएस टू एंड डीएस थ्री, हमने तीन एलिमेंट लिए थे। क्यों लिए थे, ताकि हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस को कंप्लीटली कवर कर पाए। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक गाउसियन सरफेस की, और हम किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई भी एरिया लेते हैं, कोई भी एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो सबकी डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द स्फीयर आती है और सेम मैग्नीट्यूड आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर और एलिमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक डीएस एलिमेंट से काम चल जाएगा। तो हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखा है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डीएस दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन होने के कारण ई और डीएस दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो जीरो डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ई डीएस कोस जीरो डिग्री इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो कोस जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। यहाँ हम ले देंगे ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीएस की बात आ रही है। अब ये डीएस क्या है, एरिया एलिमेंट है इस स्फीयर के लिए। एक स्फेरिकल जो शेल है उसका जो क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 4
पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 4 पाई आर स्क्वायर यहां पर जाएगा तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो कि k का फॉर्मूला है, तो हम यहां पर k q अपॉन आर स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो e वेक्टर इक्वल्स टू k q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म की बात हो गई है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम वापस इसको रिपीट कर लेते हैं, ये स्फेरिकल शेल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या ली है कि मान लो हमने स्फेरिकल शेल ली है, उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। इस स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो बाहर गॉसियन सरफेस बनाया है उसके लिए जो रेडियस है, मान लो ये ओपी डिस्टेंस है, वो क्या है स्मॉल आर है। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है जो कि क्या होगी आउटसाइड द स्फीयर होगी, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगी। तो अब क्या करना है, जैसे ही हमने गॉसियन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, डॉट हटा के कॉस जीरो लिखा क्योंकि ई और डीएस दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो जीरो डिग्री के बाद यहाँ पर डीएस हमने क्षेत्रफल इसका जो एरिया है वो यहाँ पर पुट किया है 4 पाई आर स्क्वायर। देन हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब मान लो पी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है E equals to KQ upon R square R cap। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर जो कि क्या होगी इनसाइड द स्फेरिकल शेल होगी। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो गॉसियन सरफेस है उसी पर ही पी पॉइंट लेना है, लेकिन ये जो पी पॉइंट है वो इस स्फेरिकल शेल के अंदर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, हमें गॉसियन जो सरफेस है वो स्फेरिकल शेल के अंदर लेना है ताकि पी पॉइंट जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल आ जाए। तो मान लो हमने एक ये स्फेरिकल शेल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। अब जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर आ जाएगा और ये मिड पॉइंट है O और बाहर वाला जो स्फेरिकल शेल है इसके लिए रेडियस R लेते हैं हम कैपिटल R, और P जो पॉइंट है वो अब हम कहाँ लेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे ले रहे हैं जो कि P पॉइंट अब कहाँ होगा, इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड होगा, और OP डिस्टेंस हम क्या लेते हैं स्मॉल R लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो गया है कि ये जो OP डिस्टेंस है वो लेस देन हो गई है किससे कैपिटल R से। तो सेकंड कंडीशन हमारी यही है कि स्मॉल आर जो है वो हमें लेस देन लेना है किससे कैपिटल आर से। फर्स्ट कंडीशन में हमने इस गॉसियन सरफेस को बाहर बनाया था और क्या किया था, ये जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन थी कैपिटल आर से। अब हमें करना क्या है कि पी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन आपको साथ साथ यह भी शो हो रहा है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल Q इक्वल्स टू जीरो है, यानी कोई भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जहां पर चार्ज नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या मानी जाती है जीरो मानी जाती है। तो सेकंड कंडीशन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये डायग्राम बनाना है, कंडीशन लिखनी है आर लेस देन कैपिटल आर, क्यू इक्वल्स टू जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पर जो कि क्या है कि हमें पी पॉइंट को स्फेरिकल शेल के सरफेस पर लेना है। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल,
सेकंड हमने क्या ली थी इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और थर्ड हम बात करेंगे कि जो स्फेरिकल शेल है उसके सरफेस पे हमें पी पॉइंट लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। तो चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। तो देखो स्टूडेंट्स, जो थर्ड कंडीशन है उसमें क्या होगा कि हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करेंगे। तो मान लो हमने ये स्फेरिकल शेल लिया, पॉजिटिवली इसको चार्ज किया है। अब हमें जो पी पॉइंट लेना है वो इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर लेना है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो भी क्या होगा, इसी पर होगा। और मिड पॉइंट ओ, ये जो कैपिटल आर है वो क्या है, स्फेरिकल शेल की रेडियस है। और ओपी डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल आर होती है। मान लो हमने पी पॉइंट यहाँ ले लिया है जो कि क्या है, सरफेस पर है, किसके, स्फेरिकल शेल के या फिर गॉसियन सरफेस के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ओपी डिस्टेंस है वो लिख लिया स्मॉल आर। अब क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर यहाँ पर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी आउटसाइड द स्फीयर की वो हम देख लेते हैं। वो हमने लिखी थी ये, तो यहाँ क्या करना है, इस स्मॉल आर की जगह हमें पुट करना है कैपिटल आर। देन हमें एक इक्वेशन मिल जाती है ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। तो ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन किसके लिए है, ये थर्ड कंडीशन के लिए है जब हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और इसको हम सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन को किया था। किस तरह से, मान लो E डॉट ds हमने किया है और फॉर्मूला लगा दिया हमने गॉसेस लॉ का, और यहाँ पर क्या किया है ds और E दोनों के बीच में वही है एंगल जो है 0 डिग्री का बनेगा क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो E ds बच जाएगा यहाँ से, ds का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आएगा 4πr² एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। अब 1/4πε0 नॉट हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, q अपॉन r स्क्वायर आ रहा है। सेम यहाँ पर क्या करना है, r स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है कैपिटल R, क्योंकि इस कंडीशन में क्या रखा जा रहा है, स्मॉल r की जगह हम पुट कर रहे हैं कैपिटल R। तो यहाँ पर हम लिख देंगे E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R कैप। तो डायरेक्टली हम फर्स्ट कंडीशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको इस तरह से गॉसियन लॉ लगाकर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल शेल में हम तीन कंडीशंस लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के। सबसे पहले स्फेरिकल शेल के आउटसाइड हम पी पॉइंट लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आती है ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं गॉसियन जो सरफेस है उसके, उसको हम इनसाइड लेते हैं स्फेरिकल शेल के। तो पी पॉइंट कहाँ आ गया, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन क्योंकि जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर चार्ज जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन हम बात करते हैं कि अगर पी पॉइंट हम स्फेरिकल शेल के सरफेस पर लेते हैं तो सरफेस पर लेने के कारण स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कितनी, किसके इक्वल हो जाती है, कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है। सिंपली हमें या तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, या फिर गॉसियन लॉ रखकर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीनों फॉर्मूलास आ जाते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा, देखो फर्स्ट कंडीशन में E जो है k क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था, तो E प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो हम इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बना देंगे, ये जो है वो कर्व ग्राफ इसका बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर E की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर मान लो R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो E की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से ये कर्व इसमें डायग्राम बन जाएगा, ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट।